हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ चिड़िया के बारे में, कौन सी चिड़िया शुभ होती है। सनातन धर्म में देवी देवता के अलावा पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी पूजे जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख संपत्ति और खुशियाँ बनी रहे। इसके लिए वे न सिर्फ धार्मिक बल्कि वास्तुशास्त्र के भी कई उपाय करता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे संकेत भी हैं जो हमारे लिए खुशियाँ लाते हैं, इनके बारे में हमें बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे शुभ होता है। सबसे पहले है तोता। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो माना जाता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपके घर में या घर के आसपास आपको उल्लू दिखाई देता है तो इसका संकेत है कि आपके साथ कुछ शुभ होने वाला है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बना लिया है तो यह संकेत है कि आपके घर में जल्द ही खुशियां आने वाली है। चिड़िया का आना बाधा टलने का भी संकेत होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौवे का आना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कौवा घर में मेहमान आने के भी संकेत देते हैं। दोस्तों, मुर्गा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के आसपास या आपके घर के छत पर मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती है तो यह संकेत है कि आपकी पुराने मित्रों से मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, वैसे तो पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की डाल पर ही बनाना पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय में स्थान के अभाव में घरों की खिड़कियों या रोशनदान आदि में भी पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे घरों में कई बार पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं या फिर मधुमक्खी आदि भी अपना छत्ता बना लेते हैं। क्या आपको पता है कि घर में किसी कीट का बसेरा होना या पक्षी का घोंसला बनाना आदि भी शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। वास्तुशास्त्र में पक्षियों या कीटों के घर में घोंसला बनाने के बारे में भी शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि आपके घर में भी किसी कीट या पक्षी ने बसेरा किया है तो जान ले कि क्या वो है आपके लिए शुभ या किसी अशुभता का संकेत देता है। अगर घर में किसी भी स्थान पर मधुमक्खियों या ततैया ने छत्ता बना लिया हो तो यह किसी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। घर में छत्ता बने होने से दुर्घटना होने का डर तो बना ही रहता है, साथ ही हमें ये भी शुभ भी नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, ये अशुभ ही होता है। अगर आपके घर में गुड़ैया घोंसला बनाती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि किसी के घर में गुड़ैया घोंसला बनाती है तो यह सुख समृद्धि के आगमन का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि इससे वास्तु दोष के बुरे प्रभाव से निजात मिलती है और घर में रहने वालों यानी लोगों का भाग्य जागता है। वैसे तो लोग अपने घर में कबूतर का पालन करते हैं। कबूतर का घर में होना और घोंसला बनाना दोनों ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि घर में कबूतर का घोंसला होने से सुख और शांति बनी रहती है। यदि घर के किसी हिस्से में चमगादड़ अपना बसेरा बना लेते हैं तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है या किसी बुरी घटना का संकेत हो सकता है। तो अगर आपके घर के आंगन में या बालकनी में चिड़िया अपना अवशिष्ट गिराते हुए आपके सिर के ऊपर से गुजर जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पक्षियों द्वारा ये संकेत आपके ऐश्वर्य और सौहार्द शांति का संकेत देते हैं। इसके अलावा अगर कोई चिड़िया आपके आंगन में आकर चहचहाने लगे तो समझ लें कि आपके घर में जल्द ही कोई नई व शुभ कार्य होने वाला है, यानी कि आपको कोई शुभ अवसर मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको अचानक टूटता हुआ तारा दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति टूटता हुआ तारा देखता है और उसे देखकर कोई विश मांगता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती है। कहा तो जाता है कि एक महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है।
अगर आपको किसी भी शुभ दिन जैसे कि किसी त्यौहार या किसी शुभ तिथि के दिन कोई उपहार दे तो समझ लें कि आपके साथ कुछ बहुत ही शुभ होने वाला है और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। आपके घर बहुत जल्द धन का आगमन होने वाला है या फिर कोई शुभ संकेत भी मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता मिल जाए तो यह आपके काम की पूर्णता का संकेत देती है। मान सकते हैं कि सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। मान्यताओं के अनुसार अगर आपके कान में खुजली चलने लगे तो इसके दो अर्थ होते हैं। माना जाता है कि अगर आपके बाएं कान में खुजली चलती है तो समझ लें कि कोई आपके बारे में अच्छी बातें कर रहा है, और इसके विपरीत अगर आपके दाहिने कान में खुजली होने लगे तो समझ लें कि कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।